नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से कुछ पाबंदियां लगाई हैं और न्यूक्लियर के जनाब पाक कुछ कंपनियों के ऊपर, उसमें बाकी रशिया की कंपनियां शामिल हैं। इसके दौरान ही पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? जस्टिस ने सही कहा है, उनके मौकफ को बड़े तामुल से सुना जाए और उनकी अज़्म व हिम्मत जो है उसे भी पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो सामने आनी चाहिए और लगाई हैं यूएसए ने, और लगाने की वजह ये सामने आ रही है कि उन 6 कंपनीज ने जो हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारे पास एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर की जो प्रोग्रामिंग है वो उन्होंने रिवील की है फॉरेन कंट्रीज को, मतलब बेची है। बहुत सी खबरें आई हैं यूएस की जानिब से। यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है, और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं वाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ास के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा जो टाइज थी, इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज बताई। सर, आप क्या समझेंगे कि इंडिया का यूएस के साथ इतना गहरा रिलेशन होता जा रहा है? बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के साथ था, इवन कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई खबरें इस तरह मिलती हैं। दूसरी जानब मैं आपको इसका कंपैरिजन बता दी जाऊं कि यूएस ने उस सिनेरियो को देखते हुए। भैया, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकॉनमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका, तो उस पर मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब बिलियन के करीब, उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। उसके बाद उनके IIT को देखें, उनके जो उनके इंस्टीट्यूशन देखें, फिर उनके मैं ये नहीं कहता कि वहां पे करप्शन नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है। मैं एक और मिसाल इसकी देना चाहता हूं। आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक डिप्टी कमिश्नर साहब सिंध के अंदर, मैंने उनके बारे में खबर पढ़ी है कि 2 अरब रुपया लेकर वो भाग गए, एक डिप्टी कमिश्नर जिसकी कोई 35 ईयर्स ओल्ड। अगर एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो 2 अरब रुपया लेकर भाग जाता है बड़ी आसानी के साथ, और दूसरा आपने 75 सालों से अगर देखें आप तो इसके आज जो आप भुगत रहे हैं, इसका सफर शुरू किया था सिकंदर मिर्जा, उससे भी पहले अयूब खान साहब ने, अयूब खान साहब ने जिस तरह सियासत में 1300 सियासतदानों को 10 साल के लिए बैन कर दिया था। आज अगर आप कहते हैं करप्शन में सिर्फ सियासतदान जो है वो इन्वॉल्व है, बात हकीकत यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी बाख्तियार आदमी जिसका कोई इख्तियार है, जो कुछ कर सकता है, लूट सकता है, वो लूट रहा है। आप आज देखें तो आज आपके बच्चे CSS भी करते हैं करप्शन के लिए, आर्मी में भी जाते हैं तो करप्शन के लिए, जुडिशरी में जाते हैं तब भी करप्शन के लिए। तो जब आपका बल्कि मैं इससे भी ज्यादा ये कहूंगा रफिया, इस वक्त पाकिस्तान में शरीफ आदमी को कोई अपनी बच्ची का रिश्ता तक नहीं देता। आपने कल्चर को इतना चेंज कर दिया, आपने करप्शन को इतना, आपके बोन मैरो में घुस चुकी है करप्शन, उसमें भारत के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरा, उनके मार्शल लॉ देखें, उनके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। जब अगले दिन बाजवा साहब और मुसलसल आसिम नसीर साहब के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, तो मैंने इस दौरान भारत के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की क्या हिस्ट्री मौजूद है। तो वहां पे आज देखें आप किसी इंडियन से पूछे आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता। आपने 7 महीने खुल के कंपेन की है, सिर्फ झगड़ा नहीं किया। लोग कहते थे मार्शल लॉ लगने वाला था, मेरे नजर में तो आप मार्शल लॉ में रह रहे हैं, यू हैव मार्शल लॉ। आपकी जजें, आपके जजेस जो है जुडिशरी, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। आपके आपका PIA उड़ाती है तो आपका एयर मार्शल उड़ाता है, आपका वापडा चलाता है तो आर्मी चलाती है। आप हर शहर जो है वो बैरिया और डिफेंस बन चुका है। आपने अगर 6 साल के अंदर बाजवा साहब के पीरियड में 5 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, बाजवा साहब का अगर शेड्यूल देखें
तो मेरे ख्याल उनके पास टाइम ही मौजूद नहीं था कि वो बॉर्डर पे तवज्जो देते, क्योंकि वो सारी सियासत को मैनेज करते रहे। तो दर हकीकत आपका इस वक्त कंपैरिजन अब तो अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान भी जिहाद छोड़ गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। आपकी इस वक्त अगर मिसाल दी जा सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप, कि सारे क्राइसिस में आपको सैलाब जदगान की भी बात कहीं से नजर आती, कोई इस पे पूछता ही नहीं है, पूछेगा तो 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। इवन पोर्ट एक्सपोर्ट के का फायदा उठाते हुए उसके लाइसेंस का क्या कहोगे आप इस पे? पाकिस्तान को अपनी गुर्बत की वजह से जरूरत पेश आई, और यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाई हैं क्या वो सही लगाई हैं रशिया को देखते हुए, अपनी प्रोटेक्शन की है उसने या कोई और रीजन है? देखें, सबसे पहले तो इस तरह के इल्जाम पहले यूएस जो है ईरान के ऊपर भी लगा चुका है, और ईरान ने खैर इस तरह का नीचे लगने वाला कोई काम नहीं किया यूएस के, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट किया था कि हम यूएस के किसी भी इस तरह के इल्जाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यूएस खुद एक न्यूक्लियर पावर है और अब दूसरों को रोकना चाह रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर ना बने। लेकिन पाकिस्तान के लिए यही एक सरमाया है, इनके 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने और कुछ ऐसा कमाया नहीं है सिवाय एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो मेरे ख्याल से अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड किस तरह से करेगा। अगर पाकिस्तान ईरान जैसा स्टांस लेता है तो पाकिस्तान को मज़ीद सैंक्शंस दूसरी चीज़ों के अंदर भी फेस करनी पड़ेंगी यूएस के थ्रू, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक कोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा इसके ऊपर। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान ऐसे कोई स्टांस ले सकेगा, या पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाके स्टेबल रह पाएगा? देखिए, पावरफुल तो ईरान भी नहीं था जब उन्होंने इस तरह का स्टांस लिया था, लेकिन उनका मुल्क भी चल रहा है, उनके लोग भी खुश हैं, तो पाकिस्तान भी अगर इस तरह का स्टांस लेगा तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। कभी ना कभी इनको ये करना ही पड़ेगा, पिछले 70 साल से हम उनके नीचे लगे हुए हैं और उनकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो कि यूक्रेन के खिलाफ जो है वो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ कंपनियां जो हैं ऐसे आपस की बात है, यूक्रेन को तो हम बिना भी कुछ गोले शोले फराहम किए, कुछ $4 लग रहे थे तो हमने कहा कि वो होता ऐसा है ना कि यूरोपियन यूनियन ने ख़रीद के देने होते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो हमारे पास जो कि वेली पड़ी हुई है, हैं हाँ इंडिया के साथ तो चिल माहौल चल रहा है ना, तो हमारे पास जो है वो वेली पड़ी होती है कैपेसिटी, तो हम जैसे मुल्क को वो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स हो जाता है। यहाँ पर हैं निजी कंपनियाँ, हमारे बहुत सारे रिटायर हजरात ने भी बनाई हैं, और सरकारी तौर पर POF भी है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, तो उसकी कुछ जो मतलब फलानी तोप जो है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है और वो यूक्रेन के पास भी है, उसके जी 40,000 गोले बना दें, ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर मिल जाया करता। तो अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है पाकिस्तान की 6 कंपनियों पे, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से है कि वो एटमी हथियारों के आलात जो हैं वो इधर से उधर करते हुए पाए जाने की सरगर्मी में मशकूक हैं, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे बचपन में या लड़कपन में ये खबर बहुत आम हुआ करती थी, हर 2-3 महीने इस तरह की खबर आ जाती थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की या पाकिस्तान के या पाकिस्तानी ओरिजिन के यानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों की ये 3 कंपनियां जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है और उनके कारोबार उनके अमेरिका के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम ये होता था कि ये एटमी रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले फ़लाँ फ़लाँ मीटर फ़लाँ फ़लाँ पुर्जा फ़लाँ फ़लाँ मटेरियल जो थे ये फ़लाँ जगह से ख़रीदते हुए पाए गए हैं, और हमें अच्छा रोका नहीं जाता था उनको, वो कंपनी जो थी वो ख़रीद के अपना सप्लाई सप्लूई करके निकल जाती थी, उनके जब बाद में फुटस्टेप मिलते थे फुटप्रिंट मिलते थे कि इसने फलां जगह से ये चीज़ ख़रीदी है और उसके बाद भेजी कहाँ है वो हमें पता नहीं चल रहा, तो उसके ऊपर ये ओहो इन्होंने पाकिस्तान भेजी होगी, चोरी के रास्ते पाकिस्तान भेजी होगी, तो लिहाजा उन कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दिया करते थे। हर साल तो लगा ही करती थी, मुझे याद है 6-7 कंपनियाँ पाकिस्तान की या एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों की वो ब्लैक लिस्ट हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अमेरिका का आरोप है कि पाकिस्तानी ये कंपनियां न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दूसरे मुल्कों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी, इससे अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसमें कुछ पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार रशिया की कंपनियाँ भी शामिल हैं, क्योंकि
पाकिस्तान डॉलर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान डॉलर के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे अमेरिका ने ये सैंक्शंस लगाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, उसे दूर करने के लिए पाकिस्तान डॉलर कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन अमेरिका ने भी इसका जवाब पाकिस्तान को तुरंत दे दिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें भी ईरान की तरह अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना होगा, लेकिन पाकिस्तान ईरान की तरह अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका ने जिस वक्त पाकिस्तान का टैटुआ दबा दिया तो पाकिस्तानियों के दम निकल जाएगा, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं है। दूसरी तरफ भारत के लिए व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत एक ग्रेट नेशन है। आप क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।